आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के आश्वासन के बाद खत्म हुई हड़ताल। चौबीस लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अहम, 50 सीटें जीतने का लक्ष्य। अलीगढ़ में मोहन भागवत के कार्यक्रम में शामिल हुए AMU के VC कांग्रेसी नेता ने कुलपति को लेकर उठाया सवाल। कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने की PC, अखिलेश यादव ने भाजपा को दी चुनौती। कानपुर में प्रदेश अध्यक्ष OBC मोर्चा ने दिया बयान, OBC मोर्चा के समस्त पदाधिकारी लेंगे संकल्प। मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और चेयरमैन M देवराज से वार्ता होने के बाद रविवार दोपहर संघर्ष समिति ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है। संघर्ष समिति और कॉरपोरेशन सोमवार को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। वही हड़ताल खत्म होने की घोषणा के बाद ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से कर्मचारियों के सभी मांगों पर सकारात्मक तरीके से विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई को विधिक तरीके से अब वापस भी कर लिया जाएगा। बिजली कर्मचारियों के परिवार के साथ उनके हित की रक्षा के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। उस दिशा में उनके संगठनों के साथ, विशेष करके विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ अक्सर बातचीत होती रहती है। पिछली जो विशेष वार्ता हुई थी वो दिसंबर महीने में हुई थी। सच बात तो ये है कि मैं जब से मंत्री बना तो अप्रैल महीने में ही, अप्रैल 2022 में ही एक हड़ताल का अल्टीमेटम आया था। उस समय भी मैंने उनको आश्वस्त किया था कि आपकी बातों पे ध्यान दिया जाएगा। मुझे एक हफ्ता भी नहीं हुआ था मंत्री बने हुए। उसके बाद दिसंबर आ गया, नवंबर दिसंबर आ गया, उन्होंने हड़ताल की नोटिस दिया। थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने हड़ताल किया भी, उसी दरमियान हमने बातचीत करके हड़ताल को ख़त्म करवाया। और उन दिनों 3 दिसंबर को कुछ समझौता हुआ था। उस समझौते में से काफ़ी बिंदुओं पे अमल हुआ है, काफ़ी कुछ प्रक्रियाधीन है, काफ़ी पे विचार हो रहा है। दिसंबर से अभी तक कई राउंड उनसे बातचीत भी हुई है, मेरी स्वयं की भी बातचीत हुई है, हमारे अधिकारियों की बातचीत हुई है। सब कुछ अच्छे वातावरण में चल रहा था। बार बार मैं कह चुका हूं और आज मैंने फिर से कहा है कि आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, उनके प्रति मैं स्वयं ऊर्जा विभाग और हमारा पूरा प्रबंधन उसके प्रति सतर्क है। और उस दिशा में जो भी आपसे बातचीत करके, वार्ता करके, जो भी उसके लिए जो सार्थक कार्रवाई हो सकती है वो किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को चुनावी एजेंडा बनाएगी। दरअसल समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र की BJP सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में BJP को UP की 80 की 80 सीटों पर हराने की भी बात कही है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, आज कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों से BJP ने वादा किया था, किसी कर्मचारी एवं संगठन की बात नहीं मानी गई। आपकी सब मांगे मानी जाएंगी, लेकिन सरकार बनने के बाद वो मांगे नहीं मांग रहे हैं। और जब मांगे नहीं मांग रहे हैं तो अंतर्गतवा पूरा उत्तर प्रदेश में बिजली संकट में रहा है, बिजली नहीं है। क्या पुलिस
पावर प्लांट चलाएगी, क्या पुलिस सब स्टेशंस को देखेगी, क्या पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी? चुनाव शुरू हो गया है, बीजेपी लाख कोशिश कर ले इस तरह की, जनता ये जानती है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी को हरा सकती हैं उन्हीं के घर पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही है, और जिन जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस ये काम करती थी, आज कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी है, कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की बैठक की गई और बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। वह डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन के माध्यम से भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए लोगों में उत्साह भर दिया और पिछड़ा वर्ग के मंच के माध्यम से उन्होंने एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने की अपील की है। वह कार्य समिति का पहला सत्र समाप्त होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जिस तरह से माहौल है उसको देखकर लगता है कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ खड़ा हो गया है। आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी तो पूरे देश के हैं ही, लेकिन आज जैसा माहौल देश का है उससे ये पता चलता है कि पूरा देश भी माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। और लोकतंत्र में उसका प्रमाण होता है कि जब कहीं चुनाव हो और चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है, तो हम गुजरात से लेकर के त्रिपुरा तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के गोवा तक भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव विधानसभा के चुनाव में खिला चुके हैं, और जब भी नगर निकाय का चुनाव होगा तब भी कमल खिलेगा। लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतेगा। खबर गाजियाबाद से है जहां कुत्ते के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है और पुलिस चौकी क्षेत्र में एक युवक को अपनी बाइक के पीछे कुत्ते को घसीटते हुए ले जाना भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि युवक करीब 1 किलोमीटर से कुत्ते को घसीट रहा था और कुत्ता बुरी तरीके से तड़प रहा था, तो कुछ लोगों ने युवक को रोका और उसके कब्जे से कुत्ते को मुक्त कराया। साथ ही लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और पीएफए पदाधिकारियों को दी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए कुत्ते का उपचार भी कराया है। यहाँ के लोकल फीलर्स का फोन आया कि यहाँ पे एक आदमी है जो बुरे तरीके से कुत्ते को घसीटता हुआ ले जा रहा है। पहले उसने इसके सर पे डंडा मारा, फिर उसको टाई करके रोडों पे घसीट रहा है। एंड अभी जस्ट मैं पहुंची हूँ यहाँ पे, मेरी एसएचओ से भी बात हुई है, एंड कमिश्नर से भी बात हुई है इस मैटर के रिगार्डिंग। इस पे हम FIR लॉन्च करेंगे और ये IPC 429 एंड सेक्शन 11 में और PC एक्ट के अंदर आता है। बाकी आपको ये बताएगा आगे क्योंकि इन्होंने ही मेरे को फोन करा है, मैं तो जस्ट मुकदमा दर्ज कराने आई हूँ। युवक ने 1 किलोमीटर तक बाइक से कुत्ते को घसीटा है जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें इतनी दिल को दहला देने वाली हैं कि हम आपको उसको पूरे तरीके से नहीं दिखा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जिस तरीके से गाजियाबाद से दिल को दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है जहां एक युवक ने कुत्ते को तकरीबन 1 किलोमीटर तक बाइक से घसीटा है, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है युवक पर? देखिए मुस्कान, आपको बता दूं गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है जहां पर एक युवक लगभग एक कुत्ते को बांधकर अपनी स्कूटी से खेलता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर मौके पर जो लोग बाइक सवार थे उन्होंने उसको जब उसको देखा वहां पर उसको रोका गया। हालांकि पूरा मामला CCTV में कैद हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार करने वाला पूरा मामला है कि जिस तरह से बेजुबान जानवर को यानी कुत्ते को किस तरीके से उसके हाथ पैर बांधकर और उसको गाड़ी से घसीटता हुआ यानी कि लेके जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से मानवता को शर्मसार कर रहा है ये युवक। कहीं ना कहीं आप जो पूरे
मामले पर है कहीं ना कहीं पूरा जो पुलिस है उसने संज्ञान लिया है। हालांकि उस व्यक्ति को तुरंत वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि जो लोग थे वहां पर जो लोग इस पूरे नजारे को देख रहे थे उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है इस व्यक्ति के खिलाफ वो पुलिस लगातार कर रही है कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो वीडियो है दिल दहला देने वाला वीडियो है इस तरह की घटना। बिल्कुल प्रवीण, आखिर युवक ने जिस तरीके से कुत्ते के साथ ये बर्बरता की है वजह क्या निकल के सामने आई है? देखिए मुस्कान, वजह ये जो व्यक्ति है खासतौर पे पब्लिक को जब पब्लिक ने उसको पकड़ा है तो उसके बाद वो अपना अपने तरफ से सफाई देता हुआ नजर आ रहा है कि ये बोल रहा है कि ये कुत्ता जो है जिसको वो घसीटता हुआ ले जा रहा है वो काफी लोगों को काट चुका है, यानी कई लोगों को काट चुका है, कई लोग जख्मी हो गए। लेकिन अगर जख्मी हो गए तो उसके लिए नगर निगम की गाड़ियां होती है, उनको सूचित किया जाए, वो लेके जाएंगी। इस तरह से मानवता, जिस तरह से जो ये दरिंदगी दिखा रहा है युवक, कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक है ये गाजियाबाद की घटना। लेकिन इस तरह से बेजुबान जानवर को खींच के ले जाना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर कानपुर से है जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा नरेंद्र कश्यप ने एक बयान दिया और बयान में उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, लोकसभा चुनाव 2024 भी हमारे सामने है। आगे उन्होंने कहा कि ओबीसी मोर्चा के सारे पदाधिकारी आज संकल्प लेंगे, नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने के लिए संकल्प लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की हैट्रिक के लिए भी आज सभी पदाधिकारी संकल्प लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 भी हमारे सामने है, आज ओबीसी मोर्चे के समस्त पदाधिकारी संकल्प लेंगे नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के समस्त पदाधिकारी संकल्प लेंगे 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की सरकार में हैट्रिक लगाएं, वो भी पहले से अधिक सांसदों के साथ। ये सारा संकल्प आज उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा लेने वाला है, यानी आज की ओबीसी मोर्चे की प्रदेश की कार्य समिति बैठक उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर संगठनात्मक कार्यों की पूर्ति को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका थोड़े समय बाद विधिवत शुभारंभ होने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, ओबीसी मोर्चा के समस्त पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है और एक बैठक की गई है, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा की गई? बता दो कि आज कानपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश पूरी कार्यकारिणी की बैठक थी। वो बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे थे और सभी लोग जब बैठे बैठक में चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद वो आगामी चुनाव में लगभग कानपुर यूपी से 80 में से 80 सीटें लाने का दावा किया। साथ ही अखिलेश यादव के बयान पे कुछ दिन पहले जो उन्होंने बयान दिया था कि 50 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे लोकसभा की, उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा है कि 50 से नहीं, इनको 5 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने यादव को लेकर बात कही है कि यादव जितना राष्ट्रवाद होता है उतना ही यादव में जितना यादववाद होता है उतना ही यादव राष्ट्रवाद भी होता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा इन्होंने अखिलेश यादव को पतंग कसते हुए बोला है। बिल्कुल अनिल, अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव है और आज ओबीसी मोर्चा की बैठक भी हुई है जिसमें डिप्टी सीएम ने भी शिरकत की है, तो इस दौरान कार्यकर्ताओं को किस तरीके से काम करने की नसीहत या यूं कहे कि सलाह दी गई? जी बता दूं कि जिस हिसाब से आज बैठक चल रही थी, बैठक में सीधा सा एक टारगेट था कि जितने भी बूथ लेवल के कार्यकर्ता है उनको एकत्रित किया जाए, एकत्रित करके जितने भी बूथ लेवल के कार्यकर्ता है उनसे बातचीत की जाए और हर घर हर जनता के बात पहुंचाई जाए। और बीजेपी का जो भी घोषणा पत्र अब तक रहा है, जो पिछले साल रहा था और जो आगामी चुनाव को लेकर रहेगा, वो हर। धन्यवाद अनिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीते दिन दिल्ली के लाल किला में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति तारिक मंसूर ने शिरकत की थी। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में एएमयू के कुलपति के शामिल होने पर कांग्रेसी नेता राजा भैया ने सवालिया निशान उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने वाइस चांसलर रहकर ये सब काम करेंगे तो ये उचित नहीं है, फिलहाल एएमयू के कुलपति के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होना अब चर्चा का विषय बन गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कुलपति होता है वो सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही कुलपति नहीं है,
पूरी दुनिया के मुसलमान और भारत के मुसलमान और बाकी के लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ बड़ी हसरत भरी नज़र से देखते हैं और निगाहों से देखते हैं। उनको एक उम्मीद होती है कि इस इंस्टीट्यूशन से, इस इदारे से यहाँ के जो लड़के हैं पढ़ के बहुत कुछ करेंगे, कौम के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल और एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम में चले जाना, उस संस्था के में, जिस संस्था के ऊपर कई बहुत सारे दाग भी हैं, वहाँ पर वाइस चांसलर जाते हैं उनको बैठने के लिए सीट ना मिलती, बड़ा सोचने का मुकाम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उसका अपना एक मयार वकार होता है, लेकिन ये मयार वकार को ताक में रख करके जाते हैं, बहुत ही घिनौनी हरकत है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एक जो स्टूडेंट यूनिटी है उसका खबर गाजियाबाद से है, जहां पिछले दो दिनों में हुई भारी बारिश से खेत पूरी तरीके से जलमग्न हो गए और पानी ज्यादा होने के कारण फसलों को खासा नुकसान भी पहुंचा है। किसानों ने सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसल को बताया है। बता दें कि धान को हुए नुकसान से अगले साल इसकी कीमतों में भी बम्पर उछाल आ सकता है और जनता पर एक बार फिर से महंगाई की मार भी पड़ सकती है। प्रदेश में सड़क हादसे जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आए दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं से मौत की खबरों से रूबरू सभी को होना पड़ता है। इन सब का बड़ा कारण है ओवरलोड वाहन। औरैया में ओवरलोड वाहनों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत 4 ट्रैक्टर ओवरलोड ईंटों से भरे हुए एक पिकअप, एक ट्रैक्टर मोरंग लदी हुई पाई गई और एक स्लीपर बस पर भी कार्रवाई की गई है। जिले के बिधुना नगर में परिवहन विभाग द्वारा की गई ये कार्रवाई के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। पास होते हैं वो ट्रैक्टर पे ईंटा लाद के चल रहे हैं। ऐसे 4 ट्रैक्टरों को आज इसमें बुधना थाने में बंद किया गया है और एक गाड़ी ओवरलोड है और एक डब्बे हमारी बस है जो अगेंस्ट परमिट कंडीशन चलते हैं और एक लोडर है जिसका टैक्स फिटनेस परमिट इंश्योरेंस वगैरह सब खत्म है। मैडम, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो सड़कों पे खड़ी होती हैं, बार बार कहने के बावजूद भी ये गाड़ियां नहीं हट रही हैं, इनके लिए क्या प्रावधान होगा? नहीं, उनके जो गाड़ियां रोड पर हैं, मतलब जो कमर्शियल गाड़ियाँ बताओ से खड़ी होती है, तो उसको नो पार्किंग का चालान हम लोग से करते हैं। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, तब भी ये कोई सुरक्षा व्यवस्था इनकी क्या कैसे रहेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो दुर्घटना होती है उसके पहले खबर अलीगढ़ से है, जहां ग्रामीणों ने सरकारी राशन के चावल की कालाबाजारी की सूचना जिलाधिकारी को दी, जिसके बंद मकान में चावल बरामद होने पर सप्लाई इंस्पेक्टर ने मकान को सील कर दिया। सरकारी चावल की कालाबाजारी का धंधा काफी समय से चल रहा था, जिसका खुलासा कर पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की। बता दें ये सारा मामला अलीगढ़ के थाना खैर का है। देखिए, आज हम तहसील लिए बैठे हुए थे, एडीएम साहब ने मुझे बुलाया कि डीएम साहब के यहाँ से एक फ़ोन आया है कि यहाँ पे मंडी के पास एक दुकान बनी है कोने में, बिजली घर के सामने, उसके अंदर उन्होंने तो ये बताया कि ट्रक लोड हो रहा है जी। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी जांच करो जाके, ये चावल कैसा, चावल बताया था उन्होंने ये चावल कैसा है। तो हम यहाँ पे जैसे आए तो यहाँ पे ये गेट इनका लगा हुआ मिला है जी। हमने एच डी साहब को बता दिया, साहब गेट लगा हुआ है, तो वो कहने सील कर दीजिए और 3 घंटे होगी, जब जो भी जैसा भी होगा, जो कुछ होगा उसके अनुसार कार्रवाई। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र अंतर्गत कस्बा कौड़ियागंज में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते जमीन पर पड़े हाईटेंशन लाइन की तार की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जहां घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब मामले की जाँच पड़ताल में भी पुलिस जुट गई है। ये चाहसगांव का लड़का था, भट्टे पे काम करता था, सुबह 6 बजे मतलब भट्टे पे से ड्यूटी खत्म करके और घर को जा रहा था। 11,000 की लाइन के तार टूटे पड़े थे, जिनकी बहुत ही जर्जर स्थिति है और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है। ये भीड़ है सर, एक बच्चा ख़त्म हो गया है यहाँ लाइट से, 11,000 की से। कहाँ जा रहा था ये? ये भट्टे से आ रहा था घर के लिए सुबह। क्या नाम है इसका? कासिम नाम है, इसके बाप का नाम है चाहत खां, कौड़ियागंज निवासी है, थाना करवा दे। मैंने सुना इसकी एक महीने बाद शादी भी थी क्या? हाँ, अभी रिश्ता हुआ है, अभी 20-25 दिन पहले, एक महीने बाद बारात जानी थी। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं?
हम ये चाह रहे हैं कि बिजली महकमा आए और जो इनको क्लेम मिलना है वो मिल जाए, जो कानून कार्रवाई टूटा है। और बिजली विभाग की लापरवाही बहुत है, यहाँ जहाँ देख लो आप घूम के चार चार वो लग रहे हैं जोड़ तारों में 11,000 में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।